हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टावर है। सबसे पहले मान लेता हूं कि ये भी हमारा टावर है, और ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड पर टावर हमारा खड़ा है, ठीक है ना। तो टावर है या फिर वर्टिकल पोल रहा है, 90 डिग्री पर ही खड़ा रह सकता है, ठीक। तो ये भी हमारा टावर है, ठीक, और वो ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है ना। अब इसके फुट ऑफ टावर यानी बी पॉइंट से लेके, ठीक है ना, ग्राउंड के किसी और पॉइंट पास, ठीक है ना, जो पॉइंट लेंगे हम वो इससे 30 मीटर की दूरी पर लेंगे, ठीक है ना। जैसे एक टावर है, ठीक। अब टावर जो है वो 90 डिग्री पर बनाया गया, और टावर के फुट से हमको 30 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम टावर के फुट से 30 मीटर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पास ले रहे हैं, सी यहाँ पास नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पास ले रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पास मैं ले रहा हूं, ये हमारा सी है। सी बीसी का लेंथ हुआ 30 मीटर, ये भी हमारा टावर है, बी फुट ऑफ टावर है, और ये ग्राउंड का वह पॉइंट है जहां पास बी से लेके और सी तक का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ठीक। मतलब सी पॉइंट बी से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। अब ये जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है और ये जो टॉप ऑफ टावर है, ठीक है ना, तो टॉप ऑफ टावर से इस सी पॉइंट के पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कहने का मतलब यह है कि जहां पास या जिस पॉइंट के पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो पॉइंट फुट ऑफ टावर से 30 मीटर के दूरी पर है। यहां पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो फुट ऑफ टावर यानी बी पॉइंट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक। और टॉप ऑफ टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये टॉप ऑफ, ये हमारा टावर हो गया पहली बार, ठीक है ना, ये हमारा टावर हो गया, बीसी हमारा ग्राउंड हो गया, और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस आधार पे हमको इस टावर का जो हाइट है, ठीक है ना, वो फाइंड करना है। टावर का हाइट यानी एबी का वैल्यू फाइंड करना है, एबी का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड करते हैं, तो यहां पास मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि एबीसी ट्रायंगल में ये जो बेस है उसका वैल्यू दिया हुआ है, और एंगल सी के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है और बेस दिया है, तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो मिलाए अपन या फिर बनाए तो वो हमको 10 का वैल्यू देगा, यानी हम 10 का वैल्यू कैसे निकालते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, ठीक, और बेस हमारा बी सी होगा। तो यहां पास मैं 10-30 का वैल्यू पुट करूंगा तो हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल जाएगा। यहां पास मैं लिखता हूं, उसी के बाद आपको समझा पाऊंगा, मतलब लिखने के आधार पर मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक। तो जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे आपको मैं समझाते हुए जाऊंगा। यहां पास मैं लेट कर रहा हूं, लेट ए बी बी द टावर या फिर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ये भी हमारा क्या है, हाइट ऑफ टावर है, ठीक। हाइट ऑफ टावर क्या है, ए बी है, एंड
ये जो गिवन डाटा है उसको लिख देता हूं, एंड बी सी इक्वल टू 30 मीटर, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन डाटा में दिया रहा, ये दोनों क्या है गिवन में है। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इस कंडीशन को देखते हुए हम इस ट्रायंगल में, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में हम 10 का जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो 10 आता है ना उसका वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। जैसे मैं 10 का वैल्यू निकालूंगा, समझिएगा 10 सी का, ठीक है ना, 10 सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, पी अपॉन बी से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो यहां पास परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, 10 सी इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी है, तो ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा। एंगल सी का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहां पास लिखेंगे 30, 10 30 इक्वल टू ए बी का वैल्यू है नहीं है, ए बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, बी सी का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, 10 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 ए बी अपॉन में 30, आगे बढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 अपॉन में रूट 3 इक्वल टू ए बी, और ए बी इक्वल टू 30 अपॉन में रूट 3। अब आंसर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो यहां पास इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ए बी इक्वल टू 30 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3, 30 अपॉन में रूट 3 ये वाला है, और रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने किया है, तो यहां पास हो जाएगा ए बी इक्वल टू 30 रूट 3 अपॉन में 3, रूट 3 और रूट 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 आएगा, ए बी इक्वल टू ये खत्म हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो 10 रूट 3 आ जाएगा, 10 रूट 3 मीटर, यानी हेंस जो हाइट होगा टावर का, हाइट ऑफ टावर इज 10 रूट 3 मीटर, ऐसे ही हमको निकालना है। सबसे पहले पता ये करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल एकेएमटी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।